Hello everyone, welcome back to my channel that is Manpreet Coaching Hub. In my last video, we finished the topic that is objectives of business. हमने objectives of business ये topic जो है वो last video में ही खत्म कर दिया था. And as I said to you, we are going to start with a very new topic today that is classification of business activities. Whenever जब आप future में अपना business start करोगे तो the very first question will be to you कि आपको कौन सा business start करना है ना. आप future में जब आपके graduation and all सब हो जाएगा then you will decide that you want to pursue for some profession या फिर आपको job करना है या फिर आपको खुद का business start करना है, right? And if you think of starting your own business, तो सबसे पहला question आपके mind में यही होगा कि हमें कौन सा business start करना है, because there are number of options, there are number of business activities जो एक person जो है वो start कर सकता है for his business, right? So that is why a classification is given to you here that जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है उनको एक साथ इंटीग्रेट करके फिर उनको क्लासिफाई किया गया है. एंड दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, कि एक पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी का फंक्शन क्या है, राइट? उसके बेसिस के ऊपर ये क्लासिफिकेशन जो है वो आपको दिया गया है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दिस क्लासिफिकेशन. एज यू कैन सी हियर द वेरी बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज है उनका जो सबसे पहला बेसिक क्लासिफिकेशन आपको दे रखा है दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. ये जो बिजनेस है, बिजनेस एक्टिविटीज है, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एवरीथिंग रिलेटेड टू इंडस्ट्री ओनली. कॉमर्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो टुडे आवर फोकस इज ऑन इंडस्ट्री ओनली. इसी बिजनेस एक्टिविटी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमने क्या देखा कि जो बिजनेस एक्टिविटीज है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. और उसका फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है? आगे फर्दर क्लासिफिकेशन बताने से पहले वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इंडस्ट्री. ये जो टर्म है इंडस्ट्री, इसका मीनिंग क्या है? इंडस्ट्री इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट. इंडस्ट्री क्या है? इट इज अ प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस. इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है दैट इज RM, रॉ मटेरियल्स टू फिनिश्ड गुड्स, FG, रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स. इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स. इंडस्ट्री में क्या होता है? रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, राइट? तो सबसे पहले रॉ मटेरियल क्या होता है ना? कोई भी बिजनेस, आप कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे फॉर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे, मतलब आप कोई गुड बना रहे हो, है ना, तो आप डिसाइड करोगे कि आपको कोई किसी भी तरीके का प्रोडक्ट बनाना है, गुड बनाना है, राइट? फॉर एग्जांपल यू डिसाइडेड फॉर प्रिपेयरिंग दिस बेंचेस एंड ऑल, है ना, बेंचेस वगैरह बनाने का ये बिजनेस आपने सोचा है कि वी विल स्टार्ट दिस, ये फर्नीचर बनाने का बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे. तो उसके लिए, वो फर्नीचर बनाने के लिए, टेबल्स बेंचेस बनाने के लिए आपको सबसे पहले किस चीज की जरूरत होगी? रॉ मटेरियल की, है ना? बिकॉज अगर रॉ मटेरियल नहीं रहेगा, रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा माल होता है जो प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, राइट? तो यहाँ पर आपके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? जो वुड आप यूज करोगे, लकड़ा यूज करोगे, है ना, आयरन जो यूज करोगे आप, लोहा यूज करोगे, ये सारी चीजें जो होगी ये सब आपके लिए क्या बनेगी? रॉ मटेरियल. और आप क्या करोगे? इन रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश गुड, जो कि एक बेंच होगा और एनीथिंग इट कैन बी बेंच, टेबल, राइट? तो वो जो रॉ मटेरियल था वुड, वो अब एक जो है वो फिनिश गुड में कन्वर्ट हो चुका है दैट इज अ टेबल और अ बेंच, राइट? सो दिस इज अ प्रोसेस जो कि इंडस्ट्री में जो है वो इन्वॉल्व होती है, मतलब इंडस्ट्री में इस प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है.
आई होप आपको इंडस्ट्री का मीनिंग समझ आ गया होगा. इंडस्ट्री में एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में प्रोडक्ट सॉरी कन्वर्ट किया जाता है, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है. रॉ मटेरियल और फिनिश गुड, आई होप आपको इन दोनों टर्म का मीनिंग जो है वो समझ में आ चुका है. राइट, एंड दिस इंडस्ट्री इट इन्वॉल्व फॉर्म यूटिलिटी, इट इन्वॉल्व फॉर्म यूटिलिटी. मैं यहाँ पर लिख रही हूँ FORM, फॉर्म यूटिलिटी. इंडस्ट्री इट इन्वॉल्व फॉर्म यूटिलिटी बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हम उसे यूज कर सके. रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हम उस फिनिश गुड को, उस फिनिश प्रोडक्ट को यूज कर सके. राइट, सो इट क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उस चीज को यूज कर रहे हैं. राइट, सो आई होप आपको ये समझ आ गया है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. ये जो इंडस्ट्रीज है इनको फर्दर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. और जो मैं अभी कहने वाली हूँ ये आपके लिए बहुत ही फेमिलियर टर्म्स होंगे. द क्लासिफिकेशन इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री. इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इंटू 3 कैटेगरीज, दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज. दिस 3 आर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. आपने सुना होगा ना प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर. राइट, तो वही चीज है यहाँ पर, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री. और एक चीज हमेशा याद रखना, ये तीनों इंडस्ट्रीज जो है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती है. मतलब ये तीनों इंडस्ट्रीज आपस में जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है. कैसे, ये जो प्राइमरी सेक्टर होता है, दिस प्राइमरी सेक्टर, इसका काम होता है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना. इसका काम होता है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना. एंड दिस रॉ मटेरियल आर फर्दर फॉरवर्डेड टू सेकेंडरी इंडस्ट्री. ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो फर्दर सेकेंडरी इंडस्ट्री को दिए जाते हैं ताकि वो जो है वो एक फिनिश गुड में उसको कन्वर्ट कर सके और फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री से टर्शरी इंडस्ट्री में जाता है ताकि फर्दर जो है वो गुड लोगों में, कस्टमर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सके. सो All these 3 sectors are of utmost importance in an economy. हर तीनों सेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पूरी इकोनॉमी के लिए. ये जो हम कहते हैं ना बिजनेस में प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सारी चीज़ें होती है. प्रोडक्शन करने के लिए हमको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए. रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, प्राइमरी इंडस्ट्री से मिलेगा. सेकेंडरी इंडस्ट्री उससे प्रोडक्शन करेगी और फिर डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसके ऊपर आएगा, टर्शरी सेक्टर के ऊपर आएगा. राइट, सो दिस 3 sectors आर ऑलवेज इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस 3 industries ऑल्सो. हमने सबसे पहले क्या देखा कि जो बिजनेस एक्टिविटीज है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. फिर हमने इंडस्ट्री का मीनिंग देखा, दैट इंडस्ट्री involves the process of converting raw materials into finished goods. And then we saw the classification of industry, that is primary sector, secondary sector and tertiary sector. और फिर मैंने आपको बताया कि जो primary sector होता है उनका काम होता है raw materials provide करना secondary sector को. फिर वो उन raw materials को finished goods में convert करते हैं. And this finished goods are further distributed with the help of tertiary sector to its customers. Second, tertiary sector जो है वो help करता है इन goods को further distribute करने में. किसको distribute करने में, customers तक पहुँचाने में. राइट, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा. एंड द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री नाउ वी आर गोइंग टू से. आगे हम देखेंगे कि प्राइमरी इंडस्ट्री को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है. सो एज यू कैन सी हियर, प्राइमरी इंडस्ट्री इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू, प्राइमरी इंडस्ट्री जो होती है वो 2 टाइप की होती है, दैट इज जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. Genetic industry and extractive industry, these 2 are the types of primary industry. Right? Genetic and extractive, these are 2 types of primary industry. Now, what is the difference between this?
जेनेटिक इंडस्ट्रीज एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। सबसे पहले हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री पढ़ते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है? एक्सट्रैक्टिव इस वर्ड से ही हमको पता पड़ता है कि एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करना, मतलब किसी चीज को किसी में से बाहर निकालना, राइट, टू ड्रॉ आउट समथिंग आउट ऑफ समथिंग, है ना। यहाँ पर अगर हम कहें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम अर्थ, है ना, अर्थ से, मतलब जमीन से उनको निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ड्रॉन आउट किया जाता है, दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। यहाँ पर आप बहुत सिंपल एग्जांपल, बहुत ही फेमिलियर एग्जांपल ले सकते हो, माइनिंग, है ना। माइनिंग यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस टर्म। माइनिंग में क्या होता है, जमीन से चीजें जो है वो निकाली जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है, और फिर उनको जो है वो या तो ऐसे ही सेल किया जाता है या फिर उनको फिनिश गुड्स में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मार्बल, है ना, यहाँ पर आसपास जो है आपको बहुत सारी मार्बल माइंस जो है वो देखने के लिए मिलेगी। तो मार्बल क्या होता है, वो भी जो है वो जमीन से ही निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, है ना, और फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके या फिर ऐसे ही जो है वो सेल किया जाता है, राइट, और जो उसको फर्दर कन्वर्ट करने का काम होता है फिनिश गुड्स में, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का होता है ना। सो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा माइनिंग का। माइनिंग के अलावा आप यहाँ पे बोल सकते हो फिशिंग, है ना, फिशिंग भी एक तरीके की एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है, बिकॉज हम क्या करते हैं, फिशेस जो है वो रिवर्स, सीज, इनसे जो है वो निकालते हैं इसको, फिशेस को, है ना। तो फिशिंग भी एक तरीके की क्या हो गई, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हो गई। एग्रीकल्चर यू कैन से एग्रीकल्चर ऑफ क्रॉप, है ना, जो क्रॉप्स वगैरह होते हैं इनका जो प्रोडक्शन होता है, दैट इज एग्रीकल्चर, उसको भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं इन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सो दिस इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सेकेंड जो हमने देखा टाइप ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री, दैट इज जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब जो रिप्रोडक्शन से होता है, यहाँ पर आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हो एनिमल हस्बेंड्री का। एनिमल हस्बेंड्री या फिर कैटल रियरिंग, कैटल रियरिंग मतलब जो कैटल्स होते हैं उनको पालना, है ना। सो दिस कैटल रियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, दिस ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन जेनेटिक इंडस्ट्री। अब ये जो जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है, आप देख सकते हो इन सबसे हमको रॉ मटेरियल ही मिलता है, है ना, और यही रॉ मटेरियल जो है वो फॉर द सेकेंडरी इंडस्ट्री यूज करती है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में। आई होप आपको समझ आ गया है अबाउट प्राइमरी इंडस्ट्री, व्हाट आर जेनेटिक इंडस्ट्रीज, व्हाट आर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एंड द फर्दर पार्ट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री वी आर गोइंग टू स्टडी इन माई फर्दर वीडियो। हम लोग आगे का ये जो पार्ट है सेकेंडरी इंडस्ट्री का, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और फिर ये जो टर्शियरी सेक्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, ये पूरा जो है वो बहुत काम आएगा आपको। जो ये टर्शियरी सेक्टर है ना, यही हमारा आगे चल के जो है वो कॉमर्स बनेगा। वो कैसे बनेगा वो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आज मैंने जो आपको समझाया है आपको समझ आ चुका है। अ क्विक रिवीजन, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इंडस्ट्री, सॉरी, बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। और इंडस्ट्री का मीनिंग देखा था, इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। और हमने देखा था कि इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी, इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी, मतलब रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स से, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उसे यूटिलाइज करते हैं, राइट। एंड देन वी सॉ द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। और फिर हमने देखा कि प्राइमरी इंडस्ट्री भी जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, देर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री, दैट इज जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। और फिर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री के, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री, कैटल रियरिंग, हियर वी हैव सॉ अबाउट माइनिंग, फिशिंग,
आई होप आपको ये समझ आ चुका है, और इसके आगे का जो पार्ट है वो हम लोग हमारे फर्दर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.